हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने HTML 5 की एक ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में ये मेरा फोर्थ वीडियो है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो को भी ज़रूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि HTML 5 के अंदर अपने HTML पेज पे हम ऑडियो और वीडियो को कैसे प्ले कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने बेसिक HTML का एक स्ट्रक्चर लिख रखा है और इसके बाद अब पहला क्वेश्चन होता है कि मैं एक ऑडियो फाइल जिसको मैं प्ले करवाना चाहता हूँ, वो ऑडियो फाइल मुझे कहाँ रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या किया है कि मेरा जो फोल्डर जहाँ मेरा ये प्रोग्राम सेव हो रहा है, वहीं पे मैंने एक ऑडियो नाम का एक फोल्डर बना दिया है HTML ट्यूटोरियल के अंदर ऑडियो, और इसके अंदर मैंने एक MP3 फाइल रखी है। मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये एक MP3 फाइल है जो नॉर्मली ऐसे रन कराएंगे तो आपको रन करके जो भी इसके अंदर है कंटेंट वो आपको सुनाई देगा। देखिए, ये मेरी MP3 फाइल है जो चल रही है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को अपने HTML पेज के ऊपर एम्बेड करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑडियो के अंदर a.mp3 नाम का एक फाइल रखा है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑडियो के लिए एक्सटेंशन और भी होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं दिखा देता हूँ कि मैंने mp3 रखा है। ठीक, अब नाम इसका ए रखा है मैंने। चलिए, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे लिखता है ऑडियो। एक टैग होता है ऑडियो, तो ऑडियो रखिए। ऑडियो लिखने के बाद आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपका वेब ब्राउज़र जो हो ओल्ड हो तो वो ऑडियो को डिस्प्ले ना कर पाए। तो इस केस में मैं एक मैसेज दे देता हूँ, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट, ठीक है, प्लीज़ अपग्रेड। मतलब अगर आपके में ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपने वेब ब्राउज़र को अपग्रेड करना होगा, यानी हायर वर्जन यूज़ करना होगा। लेकिन मेरा तो चलेगा, तो मेरे में ये मैसेज आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सोर्स लिखना है। सोर्स नाम का एक टैग है, ठीक है, SO सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सोर्स में, याद करिए, मैंने अपने फोल्डर के अंदर एक ऑडियो नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मेरी a.mp3 नाम की फाइल है। अच्छा, अब इसके अंदर टाइप भी लिखना होगा हमको, तो मुझे लिखना होगा ऑडियो। ये टाइप जो है ऑडियो टाइप है और OGG, ठीक है, बस कंट्रोल एस करिए। ठीक, और मैं अपने HTML को रन करवाता हूँ। तो रन करने के लिए मैंने यहाँ पे खोल रखा है। देखिए, फिलहाल अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंट्रोल्स एट्रीब्यूट भी पास करना होगा। कंट्रोल्स, अच्छा, कंट्रोल्स सिर्फ लिखना है आपको, कुछ इसके अंदर पास नहीं करना है। कंट्रोल एस कर दीजिए और अब देखिए, आपको आपके HTML पेज के ऊपर ये एक HTML वो आपका ऑडियो फाइल दिखना स्टार्ट हो गया है, जहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हो। ये ऑडियो फाइल 14:55 की है। ठीक, यहाँ से वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए मैं प्ले करता हूँ यहाँ से। नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये यहाँ से प्ले हो रही है, आप चाहें तो इसका वॉल्यूम भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी, और इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे एक वीडियो भी डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले करने के लिए मुझे, मेरे पास एक टैग होता है वीडियो, पहले तो वीडियो लिख देता हूँ, टाइप करता हूँ। ठीक है, और वीडियो के लिए भी मेरे पास सेम प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि मेरा ब्राउज़र सपोर्ट ना करता हो, तो उस केस में मैं ये मैसेज दे देता हूँ Ctrl+C और यहाँ मैं Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक, इसके बाद मुझे इसके अंदर भी सोर्स लिखना होता है। ठीक है, सोर्स, ठीक। अब क्वेश्चन है, सोर्स लिखने के बाद साथ साथ मुझे इसके अंदर भी एक वीडियो फाइल चाहिए। तो वो मैंने क्या किया है, अपने फोल्डर के अंदर जैसे मैंने एक MP3 फाइल रखा था, वैसे ही मैंने एक वीडियोस नाम का फोल्डर बनाया जहां मैंने वीडियोस को रखा है। एक वीडियो रखा है, उसका वीडियो को दिखाता हूं, उसका नाम है सटल। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नाम है सटल और इसका एक्सटेंशन भी देख लीजिए, इसका एक्सटेंशन है .mp4। ठीक, तो आप कोई भी वीडियो रखना जिसका एक्सटेंशन MP4 हो। ठीक, अब आओ, अब इसको लिंक करो। लिंक करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे SRC इज इक्वल टू
और फोल्डर का नाम है मेरा वीडियोस। याद रखिएगा, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने वीडियोस रखा है। और यहाँ लिखता हूँ फाइल का नाम सटल। अच्छा, ये कैपिटल स्मॉल भी ध्यान रखना है, मेरा स्मॉल में था सटल डॉट एम पी फोर, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे टाइप देना है, टाइप मुझे लिखना है, टाइप टाइप में लिखना मुझे वीडियो, इसका टाइप वीडियो ऑब्लिक और एक्सटेंशन क्या है, एम पी फोर है, ठीक, एम पी फोर। अब इसको कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। देखिए मेरा वीडियो फाइल अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा फिलहाल, ठीक। इस केस में फिर मुझे वही काम करना होगा, इसके अंदर मुझे लिखना होगा कंट्रोल्स। जब तक कि आप कंट्रोल्स नहीं लिखेंगे आपकी वीडियो डिस्प्ले नहीं होगी। अच्छा, अब देखिए मेरा वीडियो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और मैं यहीं से इसको प्ले कर सकता हूँ। एक मिनट, मैंने कुछ गलत नाम लिखा है शायद, shutle.mp4, ठीक है, mp4 भी मैंने लिखा है सही। और कंट्रोल एस करता हूँ एक बार और रन करता हूँ इसको, सॉरी सोर्स में मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ये प्रॉब्लम थी, src, इसीलिए वो वीडियो डिस्प्ले नहीं हुआ था, अदरवाइज डिस्प्ले हो जाना चाहिए था उसको। देखिए मेरा वीडियो डिस्प्ले हो गया। आप इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो, यहीं से आप इसके अंदर एट्रीब्यूट पास कर दो हाइट का, HEIGST, मान लो आपको इसको 1000 दे दो और विड्थ भी दे दो आप, तो आप इस वीडियो को बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसको देता हूँ 500, ठीक, यानी 1000 और 500 पिक्सल दे देता हूँ इसको। अब रन करता हूँ, देखिए ये मेरा थोड़ा बड़ा दिखना स्टार्ट हो गया, ये मुझे लग रहा है कि देखिए मेरी वीडियो कुछ छोटी है इसलिए ऐसा दिख रहा हूँ, तो आप हाइट को थोड़ा सा कम कर दीजिए, यहाँ पे 1000 देने के बजाय इसको ही 500 कर दीजिए, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक, यानी आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए आपकी वीडियो की साइज अगर छोटी होगी तो अगर हाइट बड़ा करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो अगर आप इसको कम रखो, और देखो मैं इसको अब 300 कर देता हूँ, ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो एकदम एडजस्ट हो जाएगी। तो हाइट और विड्थ बढ़ाना कब होता है, जब आपके पास कोई ऐसा वीडियो हो जिसका रेजोल्यूशन बहुत हाई हो, उस केस में हाई आपको हाइट और विड्थ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसको प्ले करिए, देखिए ये मेरा वीडियो प्ले हो रहा है यहाँ से, ये 8 सेकंड का वीडियो है। इस तरीके से आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रन करके चेक करते हैं, ये फुल स्क्रीन का एग्जांपल है, ठीक है, और ये फुल स्क्रीन आपका वीडियो चल रहा है आपके कंप्यूटर का। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने HTML5 के अंदर कैसे कोई ऑडियो यानी MP3 फाइल प्ले करते हैं, या कोई भी MP4 फाइल यानी एक वीडियो फाइल कैसे प्ले करते हैं, ये देखा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।